Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT Part 1st. जैसा कि Radiation Physics में अपना topic चल रहा था Electromagnetic Induction. That means हम यहाँ पे बात कर रहे थे Electricity और Magnetism की और Induction. That means Magnetism के सहायता से Electricity को produce करना, Electric Current को प्रोड्यूस करना. इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में, दैट मीन्स इनसे रिलेटेड जो टॉपिक थे उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. तो जैसा कि लास्ट लेक्चर्स की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर्स में हमने मेनली जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था. दैट मीन्स एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल की सहायता से, मैग्नेटिज्म की हेल्प से और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं. बट लास्ट लेक्चर्स में हमने उसके कुछ सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि उसकी वेव फॉर्म, फ्रिक्वेंसी और फेज़. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की, तो जैसा कि अपन ने बात की थी अल्टरनेटर की या फिर एसी जनरेटर की, तो उसके अंदर अपन एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात की जाए तो दैट मीन्स ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक टाइम इंटरवल के बाद में चेंज होती हो. जैसा कि हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ में ये चीज़ें हमने देखी थी कि जो आपका ग्राफ है वो एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम जाता है और एक बार नेगेटिव मैक्सिमम जाता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है. और ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी जनरेटर के अंदर कि किस तरीके से हाफ रोटेशन में एक बार पॉजिटिव आता है और दूसरे हाफ रोटेशन में नेगेटिव आता है. तो अब अगर जैसे कि बात की जाए फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी अपनी रिलेट करती है वेव फॉर्म से. दैट मीन्स अपना जो ग्राफ था, ग्राफ में जैसे अपन एक साइकिल कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से अगर अपन इसको टाइम से रिलेट करें, दैट मीन्स कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं वो क्या कहलाता है, आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है. ये सिंपल सी बात हुई अपनी फ्रीक्वेंसी की. अब अगर अपन बात करते हैं वेव फॉर्म की, दैट मीन्स कि जो भी आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो आपका आर्मेचर रोटेट कर रहा है वहाँ पे आर्मेचर में एंगल होगा, दैट मीन्स और जो आपको करंट मिल रहा है करंट की वहाँ पे वैल्यू होगी. तो अगर उन दोनों चीज़ों को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करें, दैट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम करंट को वहाँ पे प्लॉट करते हैं किसी भी ग्राफ में, तो वो उसकी क्या कहलाती है, वेव फॉर्म कहलाती है. अब अगर अपन बात करें फेजेस की, फेजेस दैट मीन्स जब अपन एंगल चेंज करके अगर आर्मेचर को रोटेट कराते हैं तो वहाँ पे उसकी फेज़ चेंज होती है. और फेज़ के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे पॉली फेज जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था. पॉली फेज जनरेटर के अंदर अपन ने डबल फेज़ और थ्री फेज़ जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था. तो डबल फेज़ में जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे दो आर्मेचर थे और थ्री फेज़ में आपके तीन आर्मेचर थे. थ्री जो आपका फेज़ था उसमें थ्री पेयर्स ऑफ स्लिप रिंग्स थी. टू फेज़ जनरेटर के अंदर आपके दो पेयर थे स्लिप रिंग्स के, ठीक है. अगर अपन बात करते हैं टू फेज़ की, तो वहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे हमने एक दूसरे को रखा था. और यहाँ पे जो आर्मेचर है थ्री फेज़ के अंदर, उनको अपन 120 डिग्री एंगल के डिफरेंस के ऊपर तीनों को रखते हैं. तो इनके हमने वेव फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमको इनकी वेव फॉर्म मिलती है. इसके बाद में हमने बात की थी एडी करंट्स की. एडी करंट दैट मीन्स ये भी रिलेट करता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे. जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उससे जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर एक सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होता है और उसी सर्कुलर करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं. ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर का. अब हम बात करते हैं अपने आज के लेक्चर की. आज का जो अपना टॉपिक है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, और जिसके बारे में हम बार बार में आगे जो अपनी रेडियोलॉजी अपन जब पढ़ेंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो इस टॉपिक के बारे में भी बार बार डिस्कशंस होगा. तो इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर. अब सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि ट्रांसफॉर्मर डिवाइस काम क्या करती है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग, ठीक है. बट यहाँ पे इस चीज़ों के साथ साथ में हम ट्रांसफॉर्मर के लॉसेज, रेटिंग, एफिशिएंसी, इन सब के बारे में, दैट मीन्स इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर होता है क्या, अगर इसकी दो लाइन में अगर अपन डेफिनेशन बोलें तो वो होगी आपकी, द ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल. दैट मीन्स इसका काम क्या है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना, दैट मीन्स ट्रांसफ़र करना, ठीक है. अब होता क्या है इसके अंदर, द ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. जहाँ पे जैसे कि इन्होंने सिद्धांत की बात की है, प्रिंसिपल की बात की है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. अब अगर अपन बात करें म्यूचुअल इंडक्शन, तो अपन ने यहाँ पे दो इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था इस चैप्टर में,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक था अपना म्यूचुअल इंडक्शन और दूसरा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की अगर बात की जाए तो दैट मीन्स एक ऐसी कॉइल जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी में करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका फिनोमेना, वो घटनाक्रम कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। अब अगर अपन बात करें म्यूचुअल इंडक्शन की, तो म्यूचुअल इंडक्शन में अपन ने दो कॉइल्स ली थी, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अगर अपन करंट फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपकी दो कॉइल होंगी, दैट मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा और उसी के प्रिंसिपल पे, उसी के सिद्धांत पे ये डिवाइस वर्क करती है। और स्टार्टिंग में जैसा कि हमने डेफिनेशन लिखी है, वहाँ पे भी अपन ने वन कॉइल टू अनदर कॉइल लिखा, दैट मीन्स वहाँ पे दो कॉइल होंगी। द ट्रांसफार्मर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। दीज कॉइल्स आर वाउंड ऑन ए आयरन कोर, ये कॉइल्स किस पे वाउंड होती हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड होती हैं। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इज अप्लाइड इन द प्राइमरी कॉइल, दैट मीन्स कि जहाँ पे अपन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का अप्लाई करेंगे, इनपुट देंगे, ठीक है। दैट मीन्स अपन ने यहाँ पे बात की है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है एक कॉइल से दूसरी कॉइल में, तो ऑब्वियसली बात है एक इनपुट होगा और एक आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे बात की गई है इनपुट की, दैट मीन्स अपन इनपुट कहाँ पे देंगे, हमेशा प्राइमरी कॉइल में देंगे, और अपन को आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, हमेशा सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, दो कॉइल होंगी, आप एक में इनपुट दोगे, वहाँ से फिर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के बेस पे वर्किंग होगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और दूसरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वहाँ पे फिर करंट प्रोड्यूस होगा और सेकेंडरी कॉइल से फिर आप आउटपुट ले सकोगे। अब जैसा कि मेनली अपन ने यहाँ पे बात की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एक कॉइल से दूसरी कॉइल में, बट जैसे अपन इसके आगे वर्किंग पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि किस तरीके से इसका वर्किंग है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो ये डायग्राम है आपका ट्रांसफार्मर का, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर की कॉइल्स का डायग्राम है। यहाँ पे अपन ने कॉइल के बारे में बात की, दो कॉइल आपकी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आपकी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइमरी कॉइल में हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स कम रखे हैं, सेकेंडरी कॉइल में हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा रखे हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स दैट मीन जो अपन वायर वाउंड कर रहे हैं उसके कितने टर्न हैं, वो यहाँ पे अपने ज़्यादा हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने इनको ज़्यादा क्यों लिया है। तो जैसे कि इसके कंस्ट्रक्शन की कुछ बातें तो हम कर चुके हैं और कुछ बातें और बाकी हैं, देन हम इसके बाद में वर्किंग की बातें करेंगे, दैट मीन्स इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आयरन कोर विच प्रोड्यूसेज एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है, और दोनों म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो इन्होंने बताया कि दिस प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आयरन कोर, आयरन कोर में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण में आपकी जो प्राइमरी कॉइल में आपने इनपुट दिया उसके कारण सेकेंडरी जो कॉइल है वहाँ पे एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी कौन सा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, दैट मीन्स कि ये बात अपन ने म्यूचुअल इंडक्शन में भी की थी कि वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है कि कितना वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का घटनाक्रम होगा, दैट मीन्स ये फिनोमेना कितना घटेगा, दैट मीन्स यहाँ पे कितने ईएमएफ कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट की अगर बात की जाए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा आपको, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो आपको कम ईएमएफ मिलेगा। अब यहाँ पे अपन कंसिडर करके चलते हैं, सपोज करके चलते हैं, लेट एन पी एंड एन एस आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दैट मीन्स कि अगर प्राइमरी कॉइल की बात की जाए तो उनके नंबर ऑफ़ टर्न्स को हमने यहाँ पे सपोज किया है NP, और अगर सेकेंडरी कॉइल की बात की जाए तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स को अपन ने सपोज किया है NS। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट, लेट VP एंड VS आर द वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, दैट मीन्स कि अगर प्राइमरी कॉइल में जो भी आपका वोल्टेज है उसको आपने कंसिडर किया या फिर सपोज किया है VP, और जो आपका सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल का जो भी वोल्टेज है उसको आपने कंसिडर किया है VS। इसी तरीके से नेक्स्ट बात की जाए, लेट आई पी एंड आई एस आर द करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दैट मीन्स
कि अगर प्राइमरी कॉइल की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी कॉइल में जो भी आपका करंट होगा उसको हमने IP कंसीडर किया और सेकेंडरी कॉइल के करंट को हमने IS कंसीडर किया। एक बार इन चीज़ों को दोबारा समझ लेना कंसीडरेशन को। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने NP कंसीडर किया है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने NS कंसीडर किया है, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज को हमने VP कंसीडर किया है, सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज को हमने VS कंसीडर किया है, प्राइमरी कॉइल के करंट को हमने IP कंसीडर किया है और सेकेंडरी कॉइल के करंट को हमने IS कंसीडर किया है। ये सारी चीज़ें कंसीडर क्यों करनी पड़ी? बिकॉज आगे हम रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज और करंट के बीच में, तो वहाँ पे अपने पास ये चीज़ें होंगी। दैट मीन्स इन सब चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ा ताकि हम आगे इनके रिलेशन को निकाल सकें। तो अब जैसा कि अभी अपन ने बात की कि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड EMF। EMF की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट मीन्स करंट और वोल्टेज। तो जैसा कि VP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NP, दैट मीन्स जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के। इसी प्रकार सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों चीज़ों से हमें मिलता है VP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NP, VS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS। तो जब इन दोनों फार्मूला से या फिर जो आपका रिलेशन है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नंबर ऑफ टर्न्स का और वोल्टेज का, जब इनका हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे आता है VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। दैट मीन्स कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स का जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा। इस चीज़ को दोबारा से समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होगा। अब अपन बात करते हैं पावर की। तो पावर के बारे में अपन ने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ागा P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ पे भी आपके पास वोल्टेज भी है करंट भी है, तो अपन बात करेंगे पावर की। तो पावर के लिए जैसे कंसीडरेशन हमने वोल्टेज का लिया, जिस तरीके से हमने कंसीडरेशन करंट का लिया, जिस तरीके से हमने कंसीडरेशन नंबर ऑफ टर्न्स का लिया, उसी तरीके से हम यहाँ पे पावर का भी कंसीडरेशन लेते हैं। प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगी उसको अपन बोलेंगे PP और जो सेकेंडरी कॉइल में पावर होगी उसको अपन बोलेंगे PS। इन द ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज इक्वल टू द वोल्टेज रेशियो। दैट मीन्स जो अभी अपन ने बात की ऊपर कि जो टर्न का रेशियो होता है वो वोल्टेज के रेशियो के इक्वल होता है। द पावर इनपुट इन द प्राइमरी कॉइल, अगर अपन पावर की बात करें तो प्राइमरी कॉइल का PP इज इक्वल टू VP.IP। दैट मीन्स प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का करंट। बात की अपन ने केवल यहाँ पे प्राइमरी कॉइल की, तो प्राइमरी कॉइल की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन पावर भी प्राइमरी की लेंगे और वोल्टेज भी प्राइमरी कॉइल की लेंगे और करंट भी प्राइमरी कॉइल का ही लेंगे। एंड द पावर इन द सेकेंडरी कॉइल, अगर बात की जाए सेकेंडरी कॉइल के पावर की तो वो होगी PS इज इक्वल टू VS.IS। दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल की पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी कॉइल का करंट। अब इसी के अकॉर्डिंग अपना एक लॉ आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी कर रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने किसी भी एनर्जी के बारे में बताता है कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कभी भी ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में केवल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं हो सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर उस लॉ को हम फॉलो करें PS PP, दैट मीन्स पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल और पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो दोनों क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। जब हम उनको इक्वल करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आता है VP.IP इज इक्वल टू VS.IS। और एक जैसा कि अपने पास ऊपर जो फॉर्मूला था VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS, जब अपन इन तीनों फॉर्मूलों को दैट मीन्स रिलेट करते हैं तो अपने पास एक नेक्स्ट और न्यू फॉर्मूला आता है VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS। दैट मीन्स कि वोल्टेज करंट और नंबर ऑफ टर्न्स तीनों का जो रेशियो होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का वो हमेशा इक्वल होगा। दिस शोज दैट द करंट इन द कॉइल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिस्पेक्टिव कॉइल। और ये हमें ये बताता है कि जो करंट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स यहाँ पे IS NS से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, IP आपका NP से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो यहाँ पे आपका प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी कॉइल के करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं।
बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपका वोल्टेज और करंट था, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर को भी, इसी ट्रांसफार्मर की जिसकी अपन बात करें, इसको दो टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं, नेमली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों को अगर अपन अपनी नॉर्मल भाषा में समझे तो स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर में होगा जो वोल्टेज को इंक्रीज करने में काम आएगा, और स्टेप डाउन जो कि वोल्टेज को डिक्रीज करने में काम आएगा। अब होता क्या है इनके अंदर, इफ़ अ ट्रांसफार्मर पावर ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू द पावर ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि लो वोल्टेज और हाई करंट को किस में बदल दे, हाई वोल्टेज और लो करंट में बदल दे। दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जहाँ पे वोल्टेज हाई होते हैं और करंट लो होता है, ठीक है। और अगर इन्हीं को अपन नंबर ऑफ टर्न्स के रिलेशन में बात करें, तो जैसे कि अपन पीछे अपना जो फॉर्मूला आया था वहाँ से अगर अपन बात करें, तो इन दिस टाइप द सेकेंडरी कॉयल विल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स दैन द प्राइमरी कॉयल। दैट मीन्स कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इफ़ अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर पावर हाई वोल्टेज एंड लो करंट इनटू द पावर ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई करंट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। दैट मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके अंदर अपन हाई वोल्टेज और लो करंट को किस में बदलते हैं, लो वोल्टेज और हाई करंट में बदलते हैं। जैसा कि अपन ने स्टेप अप की बात की नंबर ऑफ टर्न्स में, इसकी भी अगर अपन नंबर ऑफ टर्न्स में बात करें, तो इन दिस टाइप द प्राइमरी कॉयल विल हैव लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स देन द सेकेंडरी। दैट मीन्स कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉयल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कंपेरिजन टू द सेकेंडरी कॉयल। एक बार दोबारा से समझ लो इस चीज़ को, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप जो कि वोल्टेज ज़्यादा मिले, दैट मीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी में यहाँ पे आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे वो भी किस में, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू द प्राइमरी। और अगर बात करते हैं अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसके अंदर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज की वैल्यू कम मिलेगी आपको, दैट मीन्स वोल्टेज डिक्रीज करने के काम आता है ये, और इसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे वो भी प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू द सेकेंडरी कॉयल। तो यहाँ पे ये बात हुई अपनी ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर काम क्या आता है, ट्रांसफार्मर डिवाइस क्या है, इसका काम क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक कॉयल से दूसरी कॉयल में, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, दैट मीन्स इसकी एबिलिटी, इसकी दक्षता। दक्षता दैट मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई भी आपकी जो डिवाइस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर वो जितना इनपुट ले रही है और अगर वो उतना ही आउटपुट आपको दे दे, दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट अगर आपका इक्वल हो जाए, तो दैट मीन्स वहाँ पे उसकी दक्षता कितनी होगी, 100% होगी। दैट मीन्स वहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है किसी भी डिवाइस में, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें केवल आइडियल होती है, अपन मान के चलते हैं कि जितना अपन इनपुट देंगे उतना अपने को आउटपुट मिलेगा, बट रियल में ऐसा होता नहीं है, हर जगह एनर्जी का लॉस होता है। तो यही चीज़ें अपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर में डिस्कस करेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इन द इज़ द रेशियो बिटवीन द आउटपुट पावर एंड द इनपुट पावर। दैट मीन्स एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज इक्वल टू PS अपॉन PP। तो ये आपका एफिशिएंसी होगा जब अपन इसको परसेंटेज में निकालेंगे, दैट मीन्स कितनी परसेंटेज उसकी एफिशिएंसी है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स द आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेसर देन द इनपुट पावर ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेज। दैट मीन्स कि जो एक्चुअली में जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पर जो आपकी आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर से आपको कम ही मिलेगी ड्यू टू सम एनर्जी लॉस। वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। इन एनर्जी लॉसेज के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी का लॉसेज होता है ट्रांसफार्मर में। हैंस द एफिशिएंसी इज ऑलवेज देन 100%। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो 100% से कम होगी। तो जो आज का लेक्चर था वो अपना यहीं पर समाप्त होता है। आगे के जो इसके टॉपिक्स है, दैट मीन्स इसका जो एनर्जी लॉसेज का एक मेन टॉपिक रहता है और एक होता है आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।